क्या आपकी स्किन डल हो गई है वेल well, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेवन डे चैलेंज एक ऐसा स्किन के रूटीन जिसको आपको सेवन डे फॉलो करना है एंड आठवें दिन आप खुद एक बार मिरर में चेक कीजिएगा आपकी स्किन में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा आपकी स्किन डल से ग्लोइंग हो चुकी होगी स्किन केयर रूटीन चैलेंज तो आपको करनी है बट इससे भी ज्यादा आपको क्या करना है फर्स्ट डे पे अभी आप खुद की एक पिक लीजिए एंड वो पिक अपने फोन में सेव करके कर रखिएगा कल से आप ये स्किन के चैलेंज स्टार्ट कर दीजिए एथ डे आप फिर से एक बार अपनी पिक लीजिएगा एंड नोटिस करेंगे आप कि आपकी स्किन में कितना बड़ा डिफरेंस आया है हाय, हाई हम दिवेना आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा स्किन के रूटीन जो आपकी डल स्किन को ग्लोइंग स्किन बना देगी सेवन डेज में सबसे पहले जानते हैं कि रीजंस क्या हो सकते हैं आपकी डल स्किन की ताकि आप फ्यूचर में ये मिस्टेक्स ना करें नॉट यूजिंग स्किन टाइप प्रोडक्ट आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है बट आप यूज कर रहे हैं ऑयली स्किन क्लिनजर ऑयली स्किन मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन सनस्क्रीन विच इज़ नॉट गुड क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब होता है ड्राई होना एंड टी जोन पे ऑयली होना तो अगर आपकी स्किन ड्राई है आप ड्राई स्किन प्रोडक्ट्स यूज कीजिए अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है आप ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट यूज कीजिए क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन के प्रोडक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होती है इसके लिए आप ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट्स यूज कीजिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स यूज कीजिए बट अपने स्किन टाइप प्रोडक्ट ही यूज़ कीजिए हाइड्रेटेड स्किन वेल हमारी बॉडी को जितनी हाइड्रेशन की जरूरत होती है उतना ही हमारे फेस को हाइड्रेशन की जरूरत होती है मे बी आप प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर रहे हैं बट वो अच्छे से आपको सूट नहीं कर रहा है सूट करने का मतलब बस ये नहीं होता कि प्रोडक्ट आपको पिम्पल देगा एक्नी देगा या बम्स आने लगेंगे छोटे छोटे नहीं ये भी हो सकता है कि आपकी स्किन जो हाइड्रेटेड रहती थी वो अब डल दिखना स्टार्ट हो गई वो अब ड्राई होने लगी है थोड़ी थोड़ी ये आ सकते हैं अगर आप हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं आपकी बॉडी कोई हाइड्रेशन की जरूरत नहीं होती बट आपकी फेस को भी हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि आप पानी बहुत ज्यादा पीजिए एंड सेकंडली हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज कीजिए यूजिंग मेनी एक्टिव आपको रेटेनो भी यूज करना है आपको मॉर्निंग में विटामिन सी भी यूज करनी है आपको सेल्सिलिक एसिड भी यूज करनी है अपनी एक् के लिए टेक्सचर के लिए नया सिनेमाइट भी यूज करना है रनिंग के लिए आर्फा आर्बिटिन भी आप यूज करना चाहती है यू आर यूजिंग टू मेनी एक्टिव इन वन स्किन केयर रूटीन विच इज नॉट गुड अगर हम एक से ज्यादा या बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रीडियंट यूज करते हैं हमारी स्किन के रूटीन में हमारी स्किन डल होने के चांसेस फिफ्टी हो जाती है क्योंकि हमारी स्किन इतनी ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैंडल नहीं कर सकती है इसके लिए अगर आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करना चाहते हैं तो किसी एक पे रहिए जैसे मॉर्निंग में वाइटामिन सी रात में रेटिनॉल दैट्स ऑल इससे ज्यादा यूज करने की कोशिश मत कीजिए सेकेंडली आप ज़्यादा प्रोडक्ट कभी भी यूज़ मत कीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा दिक्कत होगी आपकी स्किन को अब्ज़ॉर्ब करने में और जब आपकी स्किन प्रोडक्ट अब्ज़ॉर्ब भी नहीं करेगी तो वो काम कैसे करेगा इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट को थोड़ा मिनिमाइज़ कीजिए एंड एक्टिव्स को थोड़ा कम कीजिए स्किन के रूटीन ऑल स्किन टाइप है कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली स्किन प्रोन स्किन किसी भी टाइप की स्किन हो आपकी आप इस स्किन के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं इस स्किन 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 केयर की फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपकी ग्लोइंग लगना स्टार्ट कर देगी अगर प्रोन है फिर भी ये आपको वही ग्लो देगा जो नॉन प्रोन स्किन को मिल सकती है ये प्रूव करने के लिए कि की प्रोन स्किन भी ग्लोइंग लग सकती है ये रही मेरी पिक इस चैलेंज को करने के लिए मैं खुद अपना एवरी स्किन के प्रोडक्ट्स स्टॉप कर दी थी यूज करना जस्ट टू चेक के क्या एक्चुअली काम करेगा या नहीं एंड कितना होगा क्यों ना हो बट ये चैलेंज डेफिनेटली आपको डल स्किन को ग्लोइंग स्किन बना Let's see, कौन कौन से प्रोडक्ट है जो आपको यूज करना है सेवन डे स्किन के चैलेंज में लास्ट में रिकमेंड करूंगी सेटाफि जेंटल क्लेंजर ऑल स्किन टाइप मैं ऑल स्किन टाइप इसके लिए रिकमेंड करूंगी क्योंकि ऑल स्किन टाइप सभी को सूट करते हैं इसके लिए आई विल रिकमेंड सेटाफिल जेंटल क्लेंजर फॉर ऑल स्किन टाइप सेकंड आपको मैं बोलूंगी यूज यूजरेक्स मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर को आपको कैसे यूज करना है तो सबसे पहले जब आप फेस वॉश कर लेंगे यूजिंग सेटाफिल जेंटल क्लेंजर उसके बाद आपकी स्किन जब डैम्प रहेगी कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा आपके फेस पे उसी टाइम पे आपको मॉइस्चराइजर लेनी है एंड मॉइस्चराइजर अपने इंटायर फेस पे अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन में मसाज मेथड जो मेथड भी आप प्रेफर करते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है डैम्प स्किन पे थर्ड और लास्ट स्टेप होने वाली है आई एम श्योर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लास्ट स्टेप कैसे हो गया डल टू ग्लोइंग स्किन चैलेंज है एंड इतनी जल्दी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन खत्म हो गई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की लास्ट स्टेप होने वाली है टेंटेड सनस्क्रीन सनस्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यू वी ए रेज एंड यू वी बी रेज सो आई वुड रिकमेंड यूजिंग रिक्यूल टेंटेड सनस्क्रीन दैट्स ऑल मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कंप्लीट होती

अप्लाई करना है एंड ऐसे यूज करना जैसे आप नॉर्मलर मोशन अप्लाई कीजिए वॉश कर लीजिए हाँ आपको फेस को ड्राई करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट उसके बाद यूज कर सकते हैं sorry, मेरा थोड़ा क्रैक हो रहा है <laughs> करने के बाद, जब आपकी स्किन डैम्प रहेगी यहाँ पे आपको मेन प्रोडक्ट यूज करना है Cosrx snail mucin sheet mask शीट मास्क आपको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये होने वाली है आपकी स्किन के रूटीन में इस शीट मास्क को आप अप्लाई कीजिए अपने फेस पे एंड लीव इट ऑन फॉर अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स और उसके बाद आप इस शीट मास्क को रिमूव कर सकते हैं एक्सेसिव जो सीरम होगा पैकेट में वो अपने नेक पे या हैंड्स पे यूज कर लीजिए वेस्ट मत जाने दीजिएगा शीट मास्क अप्लाई करने के बाद आप खुद नोटिस करेंगे आपकी स्किन ग्लोइंग लगेगी एंड इसके बाद आपको अप्लाई करना है कॉजरेक्स मॉइस्चराइजर

यहाँ से आपकी स्किन के रूटीन स्टार्ट हो गई है एंड आपको यही स्किन के रूटीन फॉलो करना है सेवन डेज यही स्किन के रूटीन आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट द वीक कहने का मतलब है कि मॉर्निंग में आपको सेवन डेज के लिए सबसे पहले अप्लाई करना है क्लिनर उसके बाद अपने डैम्प स्किन पे आपको यूज़ करना है स्नेल म्यूशन मॉइस्चराइजर लास्टली आपको यूज़ करनी है रिकल टिंटेड सनस्क्रीन जो आपको प्रोटेक्शन देगी फ्रॉम यू एंड यू रेज दैट्स ऑल आप, आपको इससे ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं करनी है एंड लास्टली नाइट में आपको अप्लाई करना है ऑयल बेस्ड क्लिनजर ऑयल बेस्ट क्लिनजर यूज करने के बाद आपको यूज करना है सेटाफिजेंटर क्लेंजर देन डैम्प स्किन पर आपको यूज करनी है कॉजर्फ स्नेल म्यूशन शीट मैस्क

एंड देखिए आपकी स्किन पे कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका होगा आप बस इसको एक बार फॉलो करके देखिए आप खुद दोबारा लौट के आएंगे कमेंट सेक्शन में एंड कहेंगे माय स्किन इज ग्लोइंग दैट्स ऑल फॉर टुडे ये थी आपकी सेवन डे स्किन ग्लोइंग चैलेंज एंड एम श्योर आप इसको फॉलो करेंगे अभी के लिए बाय बाय मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में